तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सअप के एक बिल्कुल ही नए फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि व्हाट्सअप में आने के बाद आपको स्टोरेज मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको व्हाट्सअप में कहाँ देखने को मिलेगा और ये व्हाट्सअप में कब तक आएगा, यही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी पूरी दुनिया में करोड़ लोग जो है व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए टाइम टाइम पर कुछ नए अपडेट लेकर आता रहता है और कुछ नए फीचर लेकर आता रहता है। और इसी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं कि व्हाट्सएप ने अभी तक कौन से नए फीचर लाए हैं, कौन से नए फीचर लाने वाला है। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी आप चेकआउट ज़रूर करना। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अब व्हाट्सएप में एक ऐसा नया फीचर आने वाला है जो कि स्टोरेज मैनेजमेंट टूल के नाम से लॉन्च होगा। इस नए फीचर के आने के बाद आपको फ़ोन में जो भी फाइल्स मौजूद है उसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और रिव्यू भी कर पाएंगे, तो आप चाहे तो उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप का जो नया फीचर है वो इसी हफ्ते सभी एंड्रॉयड और आईओएस यूज़र के लिए आ जाएगा। तो ये नया फीचर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये नया फीचर आपको स्टोरेज एंड डेटा के अंदर मैनेज स्टोरेज ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ टॉप में एक नया स्टोरेज बार भी होगा जहाँ से पता चलेगा कि व्हाट्सएप ने कितना स्पेस लिया है और बाकी ऐप्स ने कितना स्पेस लिया है। इसके अलावा स्टोरेज फुल हो जाने पर व्हाट्सएप आपको स्पेस फ्री करने का अलर्ट भी दे देगा। तो ये जो नए फीचर व्हाट्सएप में आने वाला है, इस नए फीचर में व्हाट्सएप आपको काफ़ी बार फॉरवर्ड हुए वीडियोस और फोटोज़ को आपको दिखाएगा ताकि आप उसे रिव्यू करके डिलीट कर सकें। इसके अलावा 5 MB से ज़्यादा की बड़ी जो फाइल होती है उनका भी एक सेक्शन होगा। इन दोनों के ठीक नीचे आपको लार्ज मीडिया फाइल्स को आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको चैट्स भी दिखाई देंगी। अब तक व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स और फॉरवर्ड मैसेजेस के चलते स्टोरेज मैनेज करना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। तो व्हाट्सएप में जब ये फीचर आ जाएगा तो आपकी जो यूजलेस फाइल है उसे आप डिलीट कर सकते हैं और जो यूजफुल फाइल है उसे आप रख सकते हैं और यूजलेस फाइल को आपको स्पॉट करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपके फ़ोन में स्टोरेज जो है वो फ्री भी रहेगी। साथ ही यहाँ सिलेक्टेड फाइल्स को डिलीट करने से पहले आप रिव्यू भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और आपको बता दूँ कि व्हाट्सएप इस नए स्टोरेज मैनेजमेंट टूल की टेस्टिंग जो है वो पिछले कुछ समय से ही कर रहा था और कुछ बीटा यूजर्स को इसका पहले ही एक्सेस दे दिया गया था ताकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ बग है उसे वो फिक्स कर सके। तो आपको ये जो व्हाट्सएप का फीचर है वो बहुत ही जल्दी आपके व्हाट्सएप में अपडेट हो जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली से व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर, या फिर अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो आपको ऐप स्टोर पर जाकर उसे अपडेट करना होगा, उसके बाद आपके सामने ये फीचर आ जाएगा। तो यही एक फीचर था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो एक कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।